कोर्ट पर उनको थप्पड़ मारने की खबर है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का ही आरोप है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनको थप्पड़ मारा गया। सीआईएसएफ की महिला जवान पर थप्पड़ मारने का आरोप है। किसानों के खिलाफ बोलने पर थप्पड़ मारा गया। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की खबर आ रही है इस वक्त चंडीगढ़ एयरपोर्ट से। तो अभी हाल ही में जीती हैं मंडी से और बीजेपी सांसद बनी हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थी और ऐसा कहा जा रहा है कि सीआईएसएफ सांसद ने, सीएसएफ जवान ने जो है, महिला जवान ने थप्पड़ मारने का आरोप है। विपिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विपिन, क्या हुआ ये? देखिए, बिल्कुल, चंडीगढ़ से दिल्ली की फ्लाइट जो है वो कंगना रनौत की थी। इनके साथ इनका एक और सहयोगी मयंक मधुर जो है वो सफर कर रहा था। जब बोर्डिंग के लिए कंगना जो है वो सीआईएसएफ के पहले गेट से निकली तो वहां पर सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर जो कि तैनात थी उनकी ओर से कंगना को जो है वो चांटा मार दिया गया, जिसके बाद मयंक मधुर जो उनके साथ में सहयोगी थे उनकी ओर से भी जो है वो कुलविंदर कौर की ओर जो है थप्पड़ मारने की कोशिश की गई है। फिलहाल की अगर बात करें तो जो इनिशियल जानकारी है इस मामले में वो यही निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं कंगना जो किसान आंदोलन के दौरान मुखर होकर बोलती थी, खालिस्तान के खिलाफ मुखर होकर बोलती थी, उसी के जो चलते जो है इस महिला कांस्टेबल जो कि कुलविंदर कौर बताई जा रही हैं और उनकी ओर से जो है थप्पड़ मारने का काम किया गया है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह घटना हुई है। फिलहाल की अगर बात करें तो कंगना की ओर से जो है फिलहाल कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर जो उनके सहयोगी हैं उनका ये कहना है कि इस बाबत जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में वो महिला थी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है मंडी लोकसभा सीट से अभी जो है वो जीत कर लोकसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए हिमाचल की मंडी लोकसभा से वो विजयी होकर पहुंची है। तो ऐसे में दिल्ली के लिए कंगना जो है वो जा रही थी, उनकी फ्लाइट थी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और इनिशियल जानकारी यही है कि कुलविंदर कौर कांस्टेबल हैं ये सीआईएसएफ की, ये जो है वहां पर प्रमुख सिक्योरिटी गेट पर मौजूद थी जो कि चेकिंग और चेक इन के लिए रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं थप्पड़ जो है वो मारा गया है कंगना रनौत को। अब देखना ये होगा उनकी टीम की ओर से या कंगना की ओर से इस बाबत जो है क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, इस तरह से जो है कोई लीगल कार्रवाई जो है वो कंगना रनौत की ओर से इस पूरे मामले पर ली जाती है। मतलब विपिन, वो मतलब वो वाला मामला नहीं है कि जैसे चेकिंग हो, चेकिंग के वक्त कोई बदसलूकी या बिहेवियरल इश्यूज और उसको लेकर के कोई रिएक्शन, मतलब वैसा मामला नहीं है। इट्स लाइक कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने जूता फेंक दिया या कुछ कर दिया या कोई गुस्से में था या नाराज था, उस तरीके की प्रतिक्रिया ही है। देखिए, फिलहाल जो जानकारी आई है वो यही है कि किसान आंदोलन, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन और खालिस्तान के मुद्दे पर कंगना जो है वो बोलती रही है और इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आई है इंडिया न्यूज के पास में वो यही है कि उसी के चलते जो है वो गुस्से में इस कांस्टेबल जो है कुलविंदर कौर इसकी ओर से चांटा मारने का काम किया गया है। अब सीएएसएफ की ओर से इस बाबत क्या कुछ बयान दिया जाता है और क्या कुछ एक्चुअल वहां पर हुआ है, ये दोनों टीमों की ओर से जब कोई स्पष्टीकरण या कोई बयान जारी किया जाएगा उसी के बाद जो है परिस्थिति होगी। लेकिन प्रत्यक्ष दर्शियों की ओर से जो कहा गया है या कंगना की टीम की ओर से अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है, कहीं ना कहीं जो बयान उनकी ओर से पहले दिए गए थे किसान आंदोलन के समय में और खालिस्तान के लेकर लगातार कंगना बोलती रहती है, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं झड़प हुई है, थप्पड़ मारने का काम जो है वो इस सीआईएसएफ कांस्टेबल की ओर से किया गया है। अब देखना ये होगा कि कब तक मामला तो लेकिन विपिन मामला तो गंभीर ही है ना। वर्दी में सिक्योरिटी में सीआईएसएफ केंद्रीय सुरक्षा बल का एक जवान, महिला जवान वो भी, और हाथ उठा दे, मतलब बहुत गंभीर मामला है। तो देखिए, बिल्कुल तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ना केवल वीपीआईपीस के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी, क्योंकि अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी में कोई अगर सिक्योरिटी चेक्स में कोई खामी है तो उस बाबत अगर कोई ऐसा फ्रिक्शन हुई या इस तरह की कोई झड़प हुई तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखना होगा। लेकिन फिर भी अगर बात करें, क्योंकि हाथ उठाना किसी भी सिक्योरिटी ऑफिशियल को जो है वो अलाउ नहीं किया जा सकता, ऐसी परिस्थिति में जब आप चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं जहां पर रोजाना की वीवीआईपीस का आना है या फिर फिलहाल जो है कंगना की प्रतिक्रिया आएगी तो आपके पास एक बार फिर से आएंगे। फिलहाल आपने कहा कि आप और इसकी डिटेल जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने